नूतन वर्ष नवरात्रि पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2081 तदनुसार मंगलवार नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार का हर पल सुख शांति समृद्धि से महकता रहे। माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है और कोई सूचना भी नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती के पिता के घर पहुँचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ और गिलानी से और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान कर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतया विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है और प्रथम दिन की उपासना में भक्तजन योगीजन और सभी को अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करना चाहिए। मूलाधार चक्र लाल रंग का होता है और चार पंखुड़ियों वाला है और इसका जो मंत्र है वो है लम। यहीं से देवी की योग साधना का प्रारंभ होता है। नवरात्रि की शुभकामनाएं मित्रों।